हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार SSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि थर्ड है सेट प्रैक्टिस। दो सेट प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूं। और दोस्तों, ये जो सेट प्रैक्टिस है रोटेरिया का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लाया गया है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न की विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मल का जो मिलान होगा दोस्तों, वो यानी कि किससे हो जाएगा दोस्तों, चार से, यानी कि कुशीनगर से। मल का जो मिलान होगा वो कुशीनगर से हो जाएगा दोस्तों। और जो है कि कंपोज, तो कंपोज का मिलान हो जाएगा दोस्तों, वो यानी कि हाटक से हो जाएगा दोस्तों। और यानी कि अश्मक का जो मिलान होगा दोस्तों, वो पोटली से हो जाएगा। और पंचाल का जो मिलान होगा दोस्तों, पंचाल का मिलान होगा अहिछत्र से मिलान होगा। और ई का मिलान जो होगा दोस्तों, मगध का जो मिलान होगा वो यानी कि गिरिब्रश से होगा दोस्तों। तो इस तरह से मिलान होगा और आप लोग इसको याद कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि नहीं था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में जो है कि हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो
को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सूची वन को सूची दो से मिलाना है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यानी कि वल्लभाचार्य का जो मिलान होगा वो पुष्टि मार्ग से होगा। वल्लभाचार्य का मिलान किससे होगा? पुष्टि मार्ग से होगा, यानी कि ए का सेकेंड से। और रामानुज का जो मिलान होगा दोस्तों, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद से मिलान होगा, यानी कि बी का थ्री से मिलान होगा। और मध्वाचार्य का जो मिलान होगा रेख से होगा, द्वैतवाद से होगा। और शंकराचार्य का जो मिलान होगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा द्वैतवाद से मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह जी ने किए थे। तो सारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पहले बंगाल विभाजन प्रभावी, उसके बाद जो होगा मुस्लिम लीग का गठन, और उसके बाद जो होगा कि कांग्रेस का विभाजन, और उसके बाद होगा दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण। यानी कि इस तरह सीरियल ढंग से इसको बैठाना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने कहे थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में मिलाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ों ने इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली ने विजय हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर सोन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी गोरखपुर राप्ती, लुधियाना सतलज और सूरत ताप्ती, ये तीनों सही सुमेलित है, तो आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा का उत्पन्न कब होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचंद्र के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है
मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह। दक्षिण और लिटिल अंडमान समूह के बीच स्थित है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची वन में आदिवासी है और सूची दो में जो है अवस्थिति है, यानी कि वो कहाँ स्थित है, तो भील इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि भील का जो मिलान होगा यानी कि राजस्थान से होगा। भील का किससे मिलान होगा, राजस्थान से होगा। और जो है कि गोंड, तो गोंड का जो मिलान होगा दोस्तों वो यानी कि हो जाएगा छत्तीसगढ़ से होगा। और लिम्बूस, तो लिम्बूस का जो मिलान होगा वो सिक्किम से होगा। और कोनियाक का जो मिलान होगा दोस्तों यानी कि होगा नागालैंड से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिटेशियस युग में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची वन को सूची दो से मिलाना है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आर्थिक विकास का जो मिलान होगा उस संरचनात्मक परिवर्तन से होगा, और आर्थिक वृद्धि का जो मिलान होगा वो सकल घरेलू उत्पाद से होगा, और संपोषित विकास का जो मिलान होगा वो यानी कि हो जाएगा पर्यावरण से इसका मिलान होगा, और जीवन की गुणवत्ता का जो मिलान होगा वो स्वास्थ्य से मिलान उसका हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि आर्थिक विकास से सामान्यता युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्फीति के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरम का जो है कि यानी कि तत्वों की प्रचुरता ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू एस डेविस ने प्रस्तुत की है। दोस्तों अगला प्रश्न कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के
समांतर स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जावा, ऑप्शन नंबर ए जावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उसका नाम जानुस है। क्या नाम है दोस्तों? जानुस नाम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85वां स्थान है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा यानी कि जारी किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल के। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 70,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश ने किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नव निर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया, नव निर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। दोस्तों ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2023 को इसको दम रट लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लंदन में है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला बढ़ता का प्रश्न है कि टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रावर्तक के फोकस के बहुत करीब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 10 की घात के रूप में 13 का मान क्या होगा,
10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए 10^12 होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए अवतल और उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 19.6 न्यूटन। 19.6 न्यूटन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक पॉलिश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए स्कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि विद्युत धारा का जो मिलान होगा वो एम्पियर से होगा, विद्युत धारा का मिलान किससे होगा? एम्पियर से होगा। और ताप का जो मिलान होगा दोस्तों वो केल्विन से होगा। और ज्योति तीव्रता का जो मिलान होगा दोस्तों यानी कि दूर से कैंडेला से होगा। और पदार्थ की मात्रा का जो मिलान होगा दोस्तों वो मोल से होगा, यानी कि 4 से होगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधान क्वांटम संख्या। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत सूर्य में अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये जो है ये कथन गलत है दोस्तों। और बाकी तीनों कथन यानी कि अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, ये सही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। आप लोग ये तीनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी में फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैकेलाइट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फेनोप्थेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। फेनोल्फेथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंगहीन और गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह
इंगित करता है, यानी कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनोड, ऑप्शन नंबर बी इंटरनोड कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना से प्राप्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न की कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है, एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राप्त होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीएसएच है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे जो प्रश्न मैथ का है, दोस्तों यानी कि एडिटोरिया के सेट में 150 प्रश्न रहते हैं टोटल, जिसमें 75 प्रश्न जीकेजीएस का रहता है, तो यानी कि 75 प्रश्न ही करवाएंगे, क्योंकि मैथ का प्रश्न करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।